हूं तान्या खन्ना। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच 24 मुद्दों पर समझौते हुए हैं। इन 24 मुद्दों में बुलेट ट्रेन से लेकर कैलाश मानसरोवर के नए रूट तक पर बात बनी है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बुलेट ट्रेन की फिजिबिलिटी टेस्ट पर करार हुआ है। इसके अलावा अब जून से नाथुला के रास्ते भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकेंगे। कुल मिलाकर 24 समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं, जिनमें कौन कौन से अहम समझौते हैं वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी को लेकर समझौता हुआ। इसके अलावा व्यापार बढ़ाने को लेकर कार्यप्रणाली पर समझौता हुआ। रेलवे में सहयोग बढ़ाने को लेकर एक्शन प्लान पर दस्तखत हुए। माना जा रहा है बुलेट ट्रेन से जुड़ा हुआ ही है ये, क्योंकि बुलेट ट्रेन की फिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर समझौता हुआ है। शिक्षा के आदान प्रदान को लेकर समझौता हुआ है। इसके अलावा खनिज और खनन क्षेत्र को लेकर समझौता हुआ है। 24 अहम जो समझौते हुए हैं उनमें अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर भी समझौता हुआ है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी समझौता हुआ है। डीडी जो कि भारत का सरकारी चैनल है और सीसीटीवी जो कि चाइना का सरकारी चैनल है, उन दोनों के बीच एमओयू पर दस्तखत हुए हैं। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। थिंक टैंक फोरम की स्थापना को लेकर एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं। नीति आयोग और चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के बीच एमओयू पर दस्तखत हुए हैं। भूकंप विज्ञान और भूकंप रोधी तकनीक को लेकर समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे भूमि और जल स्रोतों को लेकर भी समझौता हुआ है। अहमदाबाद में महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट को लेकर समझौता हुआ है। ये वो अहम 24 समझौते हैं जो दोनों देशों के बीच हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहयोग पर भी बात बनी है। रीइटरेटेड आवर स्ट्रांग कमिटमेंट टू मेक ऑल एफर्ट्स टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर रीजन। आई फाउंड सेंसिटिविटी to our concerns on these issues and interest in further intensifying confidence building measures. I also reiterated the importance of clarification of line of actual control in this regard. I sought tangible progress on issues relating टू वीजा पॉलिसी एंड ट्रांस बॉर्डर रिवर्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आपने सुना। कुल मिलाकर 24 मुद्दों पर करार हुआ और इसके बाद मोदी और चीन के प्रधानमंत्री के क्यांग अलग ही अंदाज में दिखे। दोनों मंच से उतरे और बातचीत की। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत की रिपोर्ट, वहां से दिखाते हैं। दोनों देशों की द्विपक्षीय बातचीत के बाद जब साझा बयान जारी हो गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि साझा बयान के बाद दोनों प्रधानमंत्री अभी भी मग्न हैं, अभी भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। और पूरे इस बातचीत की प्रक्रिया के दौरान, बातचीत से पहले, बातचीत के बाद हमने देखा जब एमओयू साइन हो रहे थे उस दौरान भी दोनों लगातार बातचीत कर रहे थे, अहम मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रहे थे। अभी भी आप देखिए जिस तरह के भाव जो है नरेंद्र मोदी और चीनी प्रधानमंत्री के बीच में बेहद सहज है, बेहद दोस्ताना है। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों के बीच में एक नया तरह का दोस्ताना संबंध जो है वो पनपता हुआ, बनता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और वही कुछ झलक रहा है जो साझा बयान इस बेहद 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 भारत चीन वार्ता के बाद जारी हुआ, जिसमें चीन ने कहा कि वो भारत के जो कंसर्न्स हैं, भारत को जो मुद्दे जो है प्रभावित करते हैं उसको लेकर चीन संवेदनशील है। और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया साझा बयान में कि उन्होंने एक नई तरह की संवेदनशीलता चीन के अप्रोच में भारत की जो चिंताएं हैं, भारत के जो मुद्दे हैं उनको लेकर देखी है। और इसके अलावा लेकिन इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने पुरजोर तरीके से सीमा विवाद के मसले को भी उठाया और कहा कि चीन को समझना चाहिए कि जो हमारे इस क्षेत्र की हमारी जो चुनौतियां हैं, पूरे क्षेत्र की हमारी जो 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 चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं उसे चीन को समझना चाहिए और जो सीमा विवाद है उसके जल्द निपटारे की सख्त जरूरत है।